शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ।
जीवन में उजियारा फिर से काली रात न आई हो। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। रूपा तेरा भाई आ गया। क्या भाई आया है? सच कह रही है तू? तेरी मेरी यारी की कसम। हाय नहीं मैं मर जावा। चल गोपाल, चल बुलबुल, चल। रूपा गोपाल इस तरह माँ की आरती छोड़कर नहीं जाते। माँ मेरी सखी है, मेरी सहेली है, मेरी माँ है, समझ जाएगी कि भाई आया है। रूपा मेरे गांव वालों, मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि आप लोगों ने रूपा और मुझ जैसे बिन माँ बाप की औलाद को अपनी औलाद से कम ममता या प्यार नहीं दिया। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांग रहा हूँ कि मैं अपनी बहन की जिंदगी का एक अहम फैसला बिना आप लोगों से पूछे कर आया हूँ। पहेलियाँ ना बुझाओ राम जी, साफ साफ बताओ कैसा फैसला करके आए हो? अपनी बहन का, आपकी रूपा का ब्याह तय कर आया हूँ। रूपा मारवाड़ की कसम, छोरा कौन है? अरे किस गांव का है और क्या करता है? वो मेरे एक फौजी दोस्त का चचेरा भाई है, नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह, शहर बेलापुर, डिस्ट्रिक्ट रामगढ़। वो एक पुलिस अफसर है और रूपा वहाँ। रूपा, रूपा, अरे रूपा, अरे घर को तो रूपा, रूपा दरवाजा खोल। रूपा ठीक है, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं चला जाऊंगा, फिर अगले मेले ही लौट कर आऊंगा। बनिया जी। रूपा क्या बात है मेरी गुड़िया, तू रूठी है मुझसे? क्यों करना चाहते मेरा ब्याह? दूर करना चाहते मुझे अपनी जिंदगी से? हक पगली कहीं की, क्या तू मेरी जिंदगी से दूर हो सकती है? लेकिन मेरी बहना, हर लड़की को एक ना एक दिन ब्याह करना ही पड़ता है, वरना उसका जीवन अधूरा रह जाता है। ये सब पुरानी बातें हैं भैया, विद्यावती को देखो, उसने अब तक ब्याह किया है। और बुलबुल, बुलबुल इधर आ, इधर आ। तू भाई को बता तू ब्याह करना चाहती है? नहीं ना, देखो ना भाई, ये भी गाँव छोड़कर नहीं जाना चाहती, सब तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। बुलबुल के सर पर गुड़िया, उसके बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन तेरे सर पर तो तेरे भाई का हाथ है ना। क्या तू चाहती तेरे भाई का नाम बदनाम हो कि जीते जी उसने अपनी सुंदर सी बहन का ब्याह तय तक नहीं करवाया? बोल। क्या ब्याह करना इतना जरूरी होता है भाई? बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर लड़की को एक जीवन साथी की जरूरत होती है जो उसको दुनिया की बुराइयों से, बदी से, बदनामी से उसकी हिफाजत करे, उसकी रखवाली करे। तुम करोगे मेरी रखवाली भैया, और मुझे किसी की जरूरत नहीं। और कल वहाँ सरहद पर मुझे गोली लग गई और मैं मर गया तो? भैया, मरे तुम्हारे दुश्मन, भैया मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे भैया। तो मत छीन मुझसे ये हक। अच्छा मेरी गाल सुन, जैसे ही मेला खत्म होता ना, तू और मैं बेलापुर चलते हैं। दरअसल मैंने भी उसे ठीक तरह से देखा नहीं है, सिर्फ एक बार मिला हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, अगर वो तुझे पसंद आता है तो ये रिश्ता पक्का करेंगे हम, फैसला तेरे हाथ में, ठीक है? ओहो रूपा, अरे मान लेना अपने भाई की बात, जिद करती है। मारवाड़ की कसम, बचपन से ही बहुत जिद्दी है ये छोरी। ओए होए होए होए, बनवारी जी, मुरारी जी, अरे लड़की को खुद फैसला कर लेने दो, आजकल की मॉडल लड़की है बिल्कुल मेरी तरह। देखा विद्यावती क्या कह रही है। अब बोल तेरा क्या फैसला है? अरे इसको क्या हुआ है? गोपाल, कितनी हंसी है, कितनी खुशियां है हमारे गांव में। भगवान करे इन खुशियों को कभी कभी किसी की नजर न लगे।